हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा कोफ्ते। मावा कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो है, ये हमने मावे के बॉल्स लिए हैं जो कि जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं उस टाइप से बनाने के हैं। ये मैंने पहले ही तैयार करके रखे हैं। ये एक प्याज का पेस्ट है, ये एक मीडियम साइज टमाटर और दो हरी मिर्चें एक साथ मैंने पेस्ट बना कर लिया है। ये 10-15 काजू है, ये गरम मसाला है जिसमें कि 3 लवंग है, 4 हरी इलायची है, आधा स्टिक दालचीनी है, 4 मिरी है और 1/2 टीस्पून शाही जीरा है। ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये फ्रेश क्रीम है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, पिंच ऑफ शुगर, ये ऑयल है और ये पानी है। आइए मावा कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। हम काजू को थोड़ा सा भून लेते हैं। काजू के हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, पर उसके पहले तो उसे थोड़ा सा भून के उसकी पेस्ट बनानी है। ये मसाले हैं, इन्हें भी भून लेते हैं। मसाले को भी हमने भून लिया है, अब हम इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, जिसमें हम ये ऑनियन का पेस्ट डालेंगे, प्याज का बारीक किया हुआ पेस्ट। प्याज को हमने थोड़ा भून लिया है, अब हम टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बना के लिया है वो डालते हैं इसमें। टमाटर और हरी मिर्च के साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये हमारी प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक की पेस्ट भून चुकी है। अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करते हैं। ये काजू का थिक पेस्ट हमने बना के लिया है, इसे हम इसमें ऐड करते हैं। ये हमारा काजू पेस्ट भी भून चुका है। अब हम इसमें ये जो गरम मसाला हमने बनाया था, लौंग, मिरी, दालचीनी, शाही जीरा और भिंडोड़े का हरी इलायची का, वो हम इसमें डालते हैं। इसके साथ ही हम बाकी के पाउडर मसाले भी डाल लेते हैं। ये जीरा और धनिया पाउडर है। ये रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने गरम मसाला बना के भी डाला है, और स्वादानुसार नमक जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। सभी मसालों को हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम ये मिक्सी जार में थोड़ा सा मसाला था इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, ये इसमें डालते हैं करी बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए, और थोड़ा पानी डालेंगे। ग्रेवी आप आपके हिसाब से बना सकते हो, ठीक या थीन। ग्रेवी में हम ये 3 चम्मच शुगर डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा फ्रेश क्रीम है, थोड़ा हम ऊपर से डालने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी को हमें पकने देना है। ये हमारी ग्रेवी अभी बॉइल्ड हो चुकी है, जिसमें कि हमें ये मावे के बॉल्स डालने हैं। मावे के बॉल्स हमने जैसे गुलाब जाम के बनाते हैं वैसे बना के लिए हैं, ये हम इसमें डालते हैं। इसको
इसको डाल के सिर्फ एक मिनट के लिए ही रखना है, ज़्यादा टाइम उसमें ग्रेवी में रखना नहीं है, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी। एक मिनट हम सिर्फ इसे बॉईल करके लेंगे, और आप जब घर पे बनाएंगे तब सर्व करते टाइम ही बॉल्स को ग्रेवी में ऐड करना है, पहले से उसे डाल के नहीं रखना है। हमारा एक मिनट हो चुका है, हम गैस ऑफ कर लेते हैं और कोफ्ते को सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। मावा कोफ्ता करी बनके तैयार हो गई है। मावा कोफ्ता करी बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।